गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट पढ़ा था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग किस तरह से माइक्रोस्पोर डेवलप होता है, इस माइक्रोस्पोरोजिनस जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इससे कैसे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा या पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा इससे ये देखिए ऑलमोस्ट ऑल सेल्स द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल आफ्टर मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर जेनेसिस। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोर जेनेसिस कहते हैं। क्या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट किससे माइक्रोस्पोर मदर सेल से और इसमें क्या होता है मियोटिक डिवीजन। इस प्रोसेस में मियोटिक डिवीजन होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से देखिए इसमें डिवीजन होगा ठीक है। और कौन सा डिवीजन होगा मियोटिक डिवीजन होगा। हमने आपको पहले बताया है कि मियोटिक डिवीजन में एक कोशिका से चार कोशिका बनती है मतलब एक मदर सेल से चार डॉटर सेल बनती है इन मियोटिक डिवीजन। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट है दिस इज टू टाइप एक सक्सेसिव टाइप है और दूसरा साइमल्टेनियस टाइप है। अच्छा डिफरेंस क्या है सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप में। ये सक्सेसिव टाइप डेवलपमेंट मोनोकॉटिलेडनस प्लांट में होता है और साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट डाइकॉटिलेडनस प्लांट में होता है। अब देखिएगा डिफरेंस क्या होता है। जब ये जो न्यूक्लियस है माइक्रोस्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो भागों में और न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। पहले देखिए न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एक से दो दोनों न्यूक्लियस से बीच में वॉल का फॉर्मेशन हुआ ये दो सेल्स हो गई तो ये आपका सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन है। अब इन दोनों में फिर डिवीजन होगा देखिए न्यूक्लियस डिवाइड होगा न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद वॉल का फॉर्मेशन होगा और इन दोनों से फिर फोर सेल टेट्राड बनेगा पॉलन टेट्राड तो ये सक्सेसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। दूसरा जो सेकेंड फर्दर डेवलपमेंट है दैट इज साइमल्टेनियस टाइप। इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो जब फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस में जो टू न्यूक्लियस बनते हैं वो उनके बाद वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है इन्हीं न्यूक्लियस से फिर सेंट्रिपेटली मतलब सेंटर की तरफ दो और न्यूक्लियस बनते हैं जिस तरह से ये लोब हो जाते हैं। देखिए ये लोब हो जाते हैं और ये जो हम लोगों के टेट्राहेड्रल टेट्राड बनाते हैं इसमें एक दो तीन और एक पीछे की तरफ चार लोब हैं तो ये देखिए यहाँ पर दो न्यूक्लियस डिवाइड होकर फिर चार न्यूक्लियस एक दो तीन आपको दिख रहा है और एक पीछे की तरफ है डोंट बी कंफ्यूज एक दो तीन दिख रहा और एक पीछे की तरफ है क्योंकि टू डी में हम लोग उसको नहीं देख सकते वो थ्री डी में दिखाई दे तो इस तरह से ये तीन और एक इनके पीछे चार तो ये चार जो टेट्राड बने आपके ये जो होते हैं टेट्राहेड्रल होते हैं। संरचना में कैसे है टेट्राहेड्रल चार हेड एक दो तीन और एक पीछे चार हेड्स देते हैं। ये साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट है जो पॉलन टेट्राड बना और ये ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में होता है। आप देखिए ये जो आपके पॉलन टेट्राड बने ये पॉलन टेट्राड संरचना के आधार पे कितने तरह के हो सकते हैं। ये टेट्राहेड्रल हो सकता है जो जनरली डाइकॉट प्लांट में होता है ये आइसोबाइलेट्रल हो सकता है जो कि मोनोकॉट्स में होता है और बच्चों थ्री टाइप्स के पॉलन टेट्राड और बनते हैं जो कि अनयूजुअल टाइप है और एक प्लांट है एरिस्टोलॉकिया एलिगेंस। इन दैट प्लांट आर दीज थ्री टाइप ऑफ टेट्राड्स आर फाउंड दैट इज डेकुसेट। देखिए ऊपर ये दो सेल्स हैं और नीचे की तरफ एक है तो ये डेकुसेट शेप में है पॉलन टेट्राड। यहाँ पर देखिए टी शेप टेट्राड है ये देखिए दो सेल
बने, उनका चार पॉलिन एक साथ है यहाँ पे, तो क्या होता है कि कभी कभी ये जो पॉलिन ग्रेन है आपके ये अलग होते हैं और कभी कभी ये अलग नहीं होते हैं, एक साथ होते हैं, यानी कि ये संयुक्त रहते हैं। तो कुछ फैमिली ऐसी हैं जैसे कि मिमोसी है, मिमोसाइटी है, और भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कि ये पॉलन ग्रेन संयुक्त रूप से होते हैं। वैसे कॉमनली तो ये माइक्रोस्पोर तुरंत ही अलग हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ फैमिलीज में एक दूसरे के साथ मिल करके टिट्राड्स बनाते हैं या फिर वहाँ पे कंपाउंड पॉलन का निर्माण करते हैं। बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग संरचना बनती है जिसको हम लोग ये कहते हैं कि वो पॉलिनिया है। फैमिली एस्किलिपिडेसी और ऑर्किडेसी, इन दोनों फैमिली में जब ये पूरी की पूरी जो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ, ये पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन एक साथ एक संरचना में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में भरे हुए होते हैं, और दो एडजेसेंट जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है वो दोनों एक संरचना, एक स्टिकी संरचना से घिरी होती है जिसे कॉर्पस्कुलम कहते हैं, और उस कॉर्पस्कुलम से जुड़े हुए दो तरफ इस तरह से यहाँ पे कॉर्पस्कुलम होता है और यहाँ से रेटिनाकुलम होता है, और ये दो पॉलिनिया जो है ये आपके लटकते हुए रहते हैं। तो ये बच्चों ऑर्किडेसी और एस्किलिपिडेसी में होता है जहाँ पे ये पॉलिनिया पाए जाते हैं। तो ये एडवांस कैरेक्टर कहा जाता है ऑर्किडेसी और एस्किलिपिडेसी का, जहाँ पर पॉलन ग्रेन जो होते हैं एक साथ इकट्ठा रहते हैं। अब आपने देखा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ऑलमोस्ट सभी माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही कैपेसिटी होती है तो वो डेवलप होकर पॉलन टिट्राड बनाएं, लेकिन कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऐसी होती हैं जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देती हैं। ये क्या करती हैं, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने के लिए ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं, और ये डिसइंटीग्रेट होने के बाद, डिजनरेट होने के बाद जो इनके सराउंडिंग पॉलन मदर सेल डेवलप हो रही हैं उन्हें ये न्यूट्रिशन देती हैं। अब बच्चों आपको हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं इनमें मियोटिक डिवीजन होता है। यह मियोटिक डिवीजन दो तरह का होता है, एक सक्सेसिव टाइप और दूसरा साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन मोनोकॉट में होता है और साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन डाइकॉट में होता है। सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हुआ और न्यूक्लियस डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, इसीलिए इसको हम लोग सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं। अब दो सेल्स बन गए, इन दोनों सेल्स का न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगा, देखिए चार न्यूक्लियस बनते बनते इसमें वॉल फॉर्मेशन हो गया और ये पॉलन टिट्राड बना। इसी तरह से जो ये दूसरा आपका साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन है, इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, मतलब पूरा चार न्यूक्लियस बनेगा तो उसमें कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। तो ये दो तीन और तीन एक पीछे चार, अब ये न्यूक्लियस के बाद धीरे धीरे देखिए यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होता है और बाद में ये वॉल कंप्लीट हो जाती है और एक टेट्राहेड्रल टेट्राड बनाती है जिसमें ये देखिए एक लोब पीछे और तीन लोब आगे, इस तरह से चार पॉलन ग्रेन एक साथ जुड़े हुए होते हैं। होता क्या है बच्चों कि जनरली यहाँ पर ये बनने के बाद जो पॉलन ग्रेन है वो एक दूसरे से, ये चारों पॉलन ग्रेन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कंपाउंड पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, यानी कि ये पॉलन या तो ये टेट्राहेड्रल टेट्राड या कई, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राड या 16 पॉलन एक साथ जुड़ जाते हैं और वो कंपाउंड पॉलन बनाते हैं। फैमिली मिमोसाइडी में ज़्यादातर कंपाउंड पॉलन देखा गया। अब ये जो पॉलन ग्रेन बने, ये पॉलन ग्रेन जो पॉलन टेट्राड बने, ये पॉलन टेट्राड टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, ये संरचना जो आपकी है ये, इसके बाद ये आइसोबाइलेट्रल हो सकते हैं जो कि जनरली मोनोकॉट्स में होते हैं। बच्चों ये डिकोसेट हो सकते हैं, ये डी शेप टेट्राड हो सकते हैं, ये लीनियर टेट्राड हो सकते हैं। ये थ्री टाइप्स जो पॉलन टेट्राड के हैं, डिकोसेट,
टी शेप और लीनियर, ये अनयूजुअल है, ये इनका जो इस तरह का डेवलपमेंट है दैट इज द अनयूजुअल टाइप ऑफ पॉलन ग्रैंड। और ये प्लांट है एरिस्टोलाकिया एलिगेंस, इसमें ये तीनों तरह के जो पॉलन ट्रैट है वो पाए जाते हैं। अब ना बच्चों, आगे हमको और आपको ये पढ़ाना है कि किस तरह से ये जो माइक्रोस्पोर है या ये पॉलन ग्रेन है ये कैसे डेहिस होंगे यहाँ से और इनका फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा, इनकी स्ट्रक्चर और इनका फर्दर डेवलपमेंट, कि ये पॉलन ग्रेन का आगे का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आप अपनी कॉपी में प्लीज़ ये डायग्राम्स बनाइए, लेक्चर को समझिए, बुक से पढ़िए एक बार, यहाँ से चार्ट से पढ़िए। हम जो आपको मैसेज, जब हमारी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिस समय हम व्हाट्सएप पर आपसे जुड़े हुए होते हैं, उस समय जो वॉइस मैसेज आपको भेजते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते समय ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा और इसे अपनी कॉपी में ड्रा करिएगा। जो क्वेश्चन हम आपको उस समय ग्रुप में डालते हैं उन क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करिए और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करिए। थैंक यू।